हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर वीकली पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इट मूवी का फर्स्ट पार्ट। इट 2017 में आई सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जो स्टीफन किंग के 1986 में लिखे गए नॉवल पर बेस्ड है, जो न्यू लाइन सिनेमा द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1988, जहाँ बिल, जो कि एक लगभग 12-13 साल का लड़का होता है, अपने 6 साल के छोटे भाई जॉर्जी के लिए पेपर बोट बनाता है। जॉर्जी चाहता था कि बिल भी उसके साथ खेले, पर बिल बहाना बनाकर उसे अकेले खेलने के लिए भेज देता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जॉर्जी की नाव तेजी से बहते हुए एक बड़े ड्रेन में गिर जाती है, जहाँ जॉर्जी को ड्रेन के अंदर एक डरावनी सी शक्ल का क्लाउन दिखाई देता है। वो क्लाउन उससे कहता है कि उसका नाम पेनीवाइज है। जॉर्जी उससे अपनी नाव वापस चाहता है, तो क्लाउन उसे थोड़ा और नज़दीक आने को कहता है। जैसे ही जॉर्जी थोड़ा आगे बढ़ता है, वो उसका हाथ खींचकर उसे खा जाता है। बिल को इससे बहुत सदमा लगता है, लेकिन उसे अब भी भरोसा था कि उसका भाई जिंदा है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि जैसे अब तक शहर के बाकी लापता बच्चे आज तक नहीं मिले, वैसे भी जॉर्जी भी अब उनसे दूर जा चुका है। लेकिन बिल अपने लेवल पर अपने छोटे भाई की तलाश जारी रखता है, जिसके लिए वह अपने दोस्तों रिची, स्टैनली और एडी की मदद लेता है। वो तीनों मिलकर बेरेंस जाते हैं, जहाँ शहर के सभी ड्रेन्स का वेस्टेज इकट्ठा होकर पहुँचता था, जहाँ पर उन्हें बेन नामक लड़का, जो बावर्स गैंग से छुपता फिर रहा था, मिलता है। उसके शरीर से खून बह रहा था। बावर्स गैंग एक 3 लड़कों का ग्रुप था, जिसे हर एज ग्रुप का बच्चा परेशान था। यह ग्रुप बच्चों को अकेला पाकर उन्हें मारता और धमकाता था, जिसका लीडर हेनरी बावर था, एक 16-17 साल का लड़का। इसके बाद बेन भी बिल के ग्रुप में शामिल हो जाता है। वो बताता है कि वो इस शहर में नया आया है और उसने इस शहर की हिस्ट्री पढ़ी है। इस शहर में गायब हुए बच्चों का एवरेज अन्य शहरों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। यह सब बातें वो उन्हें रास्ते में बताता है। वो इस हालत में घर नहीं जा सकता था, जिसके लिए सभी मिलकर पैसे इकट्ठा करके उसके लिए मेडिसिन लेने जाते हैं, जहाँ पैसे कम पड़ जाते हैं। तो एक बेवरली नाम की लड़की उनकी मदद करती है, जिससे अब वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। बिल और बेन दोनों ही बेवरली को पसंद करते हैं, लेकिन बेवरली को बिल पसंद होता है। अब यह सब मिलकर शहर में गायब हो रहे बच्चों की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ये बेरेन नामक जगह पर सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां उनकी मुलाकात माइक से होती है। वो भी बावर्स गैंग से छिपता फिर रहा था। वो सब मिलकर बावर्स गैंग पर पत्थर से हमला कर देते हैं और वो तीनों डरकर भाग जाते हैं। अब माइक भी उनका फ्रेंड बन चुका था। अब यह 7 बच्चे मिलकर अपने ग्रुप का नाम लूजर्स क्लब रखते हैं। इसी बीच एडी जब एक पुराने से घर के सामने से निकलकर जा रहा होता है, तो उसे पेनीवाइज दिखाई देता है। पेनीवाइज एक बीमारी वाले सड़े हुए आदमी के रूप में आकर उसे डराता है। जब वह अपने दोस्तों को यह बात बताता है, तो वह सब भी अपना एक्सपीरियंस उसे बताते हैं। सभी को पेनीवाइज ने डराया था अलग अलग रूप में, यानी जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, पेनीवाइज वो ही बनकर बच्चों को डराता था। इसके बाद बेन, जो इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, लाइब्रेरी जाता है और डेयरी शहर की हिस्ट्री के बारे में सर्च करता है, जहाँ इन सबको पता चलता है कि जितनी भी घटनाएं अब तक हुई हैं, वो ड्रेन के पास हुई हैं और वो सारे ट्रेन एक वेल हाउस से कनेक्टेड हैं। उन सबको यह भी पता चलता है कि 27 साल पहले भी डेयरी शहर में ऐसी घटनाएं पूरे 1 साल तक घटी थी और अब भी यह सब 1 साल से चल रहा है। यानी पेनीवाइज हर 27 साल बाद निकलता है, 1 साल तक लगातार बच्चे खाता है और वापस वेल हाउस में कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद बिल वेल हाउस जाने की सोचता है। उसे हर हालत में अपना छोटा भाई वापस चाहिए था, जहां बाकी बच्चे अंदर जाने से डरते हैं। तो बेवरली कहती है कि अगर हम सब एक साथ रहें और अंदर गए, तो हमें कुछ नहीं होगा। वो सब अंदर जाते हैं, जहां पेनीवाइज उन पर हमला कर देता है, जिसमें एडी का हाथ टूट जाता है और बाकी सब भी मरते मरते बचते हैं। वो सब डर के मारे बाहर निकल आते हैं। बिल अब भी बाहर नहीं आना चाहता था, उसे हर हाल में जॉर्जी वापस चाहिए था। एडी और रिची बिल को भला बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सब मरते मरते बचे, अब सब दोस्त मिलना बंद कर देते हैं। इसी बीच हेनरी बावर अपने पिता की हत्या कर देता है और पेनीवाइज के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक दिन जब बिल बेवरली के घर जाता है, जहां बिल को पता चलता है कि बेवरली लापता है, और वो उन सबको बोलता है कि वो और बेन अकेले ही उसे ढूंढने जा रहे हैं। अपनी ही दोस्त के गायब हो जाने की वजह से वो सब भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां वो सब मिलकर फिर से वेल हाउस जाते हैं। वो सब मिलकर एक रस्सी के सहारे एक वेल में उतरते हैं, जहां हेनरी उन पर हमला कर देता है। वो सब हेनरी को घायल कर आगे बढ़ते हैं, जहां वो सब बेवरली की मदद के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर बेवरली को होश आता है।
वो अपने आप को जमीन के अंदर लोहे के बने सीवेज में पाती है, जहाँ बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा था और गायब हुए बच्चे हवा में तैर रहे थे। तभी वहाँ पेनीवाइज आ जाता है। वो चाहता है कि बेवरली उससे डरे, क्योंकि बच्चों के मिलने वाले डर से पेनीवाइज को बहुत खुशी और ताकत मिलती थी और वो उन्हें आसानी से खा पाता था। लेकिन बेवरली उससे नहीं डरती, जिस वजह से वो उसे हिप्नोटाइज स्टेट में हवा में फ्लोट करने के लिए छोड़ देता है। इतने में ही बेल और उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे खींच कर नीचे उतार लेते हैं। वो अभी मरी नहीं थी, सिर्फ हिप्नोटाइज थी, जहाँ बेन उसे किस कर कॉन्शियस स्टेट में ला देता है। वो सब मिलकर खुश ही हो रहे होते हैं। इतने में पेनीवाइज फिर से आ जाता है और उन सबकी जो भी कमजोरियाँ या जिससे भी उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता था वो बनकर उन्हें डराने लगता है, जहाँ वो सब उससे लड़ते हैं और बोलते हैं कि हमें तुमसे डर नहीं लगता, हम तुमसे नहीं डरते। ऐसा करने पर क्लाउन की शक्ति कम होने लगती है और वो काफ़ी वीक स्टेट में एक वेल जो काफ़ी गहराई में था चला जाता है और वो सब भी बाहर निकल आते हैं। कुछ दिन बाद सभी फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं, जहां बेवरली उन्हें बताती है कि जब वो हिप्नोटाइज स्टेट में थी तब उसने अब सपना देखा था जिसमें वो सब फ्रेंड जवान हो चुके हैं और वो सब उसी सुरंग में थे, जो यह दर्शाता है कि फ्यूचर में वो लोग फिर से मिलेंगे। इस पर बिल उन सबके हाथ पर कट मारता है और उन सबके हाथ एक साथ जॉइंट करवाकर कसम लेता है कि अगर पेनीवाइज नहीं मरा और वो फिर से जिंदा हुआ तो वो सब जहाँ भी होंगे वहाँ से वापस जेरी आएंगे और मिलकर पेनीवाइज को ख़त्म करेंगे। जहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।